विन्दुनिलयमाचले यमुनानंगा उच्चल जलसितरंगा। तो सर आप लोगों ने अब तक कौन कौन से देशों की नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत सुन लिए? सर अभी तक हम हिंदुस्तान से बाहर तो निकले नहीं है। हिंदुस्तान से बहुत दूर के बाद हमारे गांव से हम बाहर नहीं निकले। हाँ कभी कभार आस पास जो शहर है शादी ब्याह का कोई संबंध नहीं जाना हो तो उसके भले शहर में होना बाकी उससे बाहर नहीं निकले तो फिर वहाँ का गीतों का सुनने का सवाल भी नहीं होता। ज़्यादातर तो अपना भारत के गीत ही सुनेंगे, वो बाहर तो जाना होता नहीं अक्सर ज़्यादा अपना। सर मैं राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा हूँ, नेशनल एंथम की। हाँ नेशनल एंथम अपने भारत के ही सुना हमने ज़्यादातर। राष्ट्रीय गीत अक्सर जो है कि हम स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे या फिर हमारा क्रिकेट मैच आता तब सुनते हैं। इसके अलावा क्रिकेट मैच में मैंने श्रीलंका का सुना था, अपने पड़ोसी मुल्क के अपना, बाकी इसके अलावा किसी का नहीं सुना। तो ठीक है सर, आज हम आपको अलग अलग देशों के राष्ट्रीय गीत सुनाने वाले हैं। ओहो आप उसे सुनिए और सुनकर अपने विचार बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप जब उसको सुन लेंगे उसके बाद ऑफ द कैमरा हम आपको उसका ट्रांसलेशन भी बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। हाँ हाँ सही सर, ठीक है। तो ठीक है सर, आप मैं चाहता हूँ कि खड़े हो जाए क्योंकि हम सब देशों के राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं तो उसको सम्मान देना भी जरूरी है। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है, खड़े खड़े पढ़ते हैं सर। तो ठीक है सर, सबसे पहले हम यूके की नेशनल एंथम आपके सामने प्ले कर रहे हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। ओके सर। ठीक है सर, अब आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल एंथम बजाई जा रही है तो आप उसे सुनिए। सर अब आपके सामने जो नेशनल एंथम प्ले की जा रही है वो कनाडा की है। Canada, our homeland, native land.
आपके सामने अब जो नेशनल एंथम प्ले की जा रही है वो जर्मनी की है। सामने जो नेशनल एंथम प्ले की जा रही है वो हमारे देश इंडिया की है। अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्याचल यमुना गंगा उच्छल जल सिद्धगंगा तब शुभ आए जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाना जनगण मंगल दायक जया हे भारत भाग्य विधाता जया हे माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर देश का एक अपना राष्ट्रीय गीत होता है सर, और हर राष्ट्रीय गीत के अंदर जो वहाँ का जो लोग उनको एक दिल में सनसनी एक जज्बा पैदा होता है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गीत में हमको जो जज्बा हुआ हमने उसी तरह उनके भी जज्बा होता है और वो सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय गीत कहीं का भी हो, संगीत चाहे अलग अलग हो या बोल अलग अलग हो, जज्बा एक ही रहता सब। सर राष्ट्रीय गीत कोई सा भी हो, जब हर देश अपने राष्ट्रीय गीत सुनता है तो उसके रूह कांप जाते हैं। और एक मैं चीज़ में महसूस करी है कि जो भी देश हो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग और वहाँ के क्षेत्र की बात ज़रूर होती है उसके अंदर।